ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಭಾಷಣ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಜನರನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದರು. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರೇ ಪ್ರೇರಣೆ. ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೇಂದ್ರ. ಮಾತಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಭಾಷಣವನ್ನ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಜನರನ್ನ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ऐसे कई आयामों के साथ आपकी सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं, यानी ये प्रोजेक्ट ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों को बल देने वाले हैं. भाइयों और बहनों, यहां आने से पहले मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, उस यूनिवर्सिटी में शिक्षा, रिसर्च और इनोवेशन को बहुत समझने के लिए, उनके उत्साह को अनुभव करने के लिए आज मैं उनके बीच में हूं और नई ऊर्जा लेकर के निकला हूं. मैं इन कार्यक्रमों से जुड़े देश के प्राइवेट सेक्टर की भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं. अब यहां कनेक्टिविटी से जुड़े उत्सव को आपके साथ, आपके बीच आकर के, और जो उमंग और उत्साह से आप लोग भरे हैं, मैं भी आपके साथ इसको सेलिब्रेट कर रहा हूं. और आप सब जानते हैं, बेंगलुरु का आज का मेरा ये आखिरी कार्यक्रम है और इसके बाद मैसूरु जा रहा हूं. वहां भी कर्नाटका की इसी विकास यात्रा को गति देने का अभियान जारी रहेगा. थोड़ी देर पहले कर्नाटका में 5 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट और 7 रेलवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है. कोंकण रेलवे के 100% बिजलीकरण के महत्वपूर्ण पड़ाव के भी हम साक्षी बने हैं. ये सभी प्रोजेक्ट कर्नाटका के युवाओं, यहां के मध्यम वर्ग, हमारे किसान भाई बहन, हमारे श्रमिक भाई बहन, हमारे उद्यमियों को नई सुविधा देंगे, नए अवसर देंगे. पूरे कर्नाटका को इन विकास परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.